हाउसफुल 4 का ट्रेलर रिलीज होने के बाद अब उस फिल्म का पहला गाना एक चुम्मा रिलीज हो गया है। फिल्म के जॉनर की तरह ही गाने में भी जमकर कॉमेडी की कोशिश की गई है। ये गाना काफ़ी फनी है। बता दें, एक चुम्मा फिल्म का पहला गाना है जिसे अक्षय कुमार ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे शेयर किया है। इस गाने में अक्षय कुमार, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े नजर आ रही हैं। इस गाने को गाया है सोहेल सेन, अल्तमाश फरीदी, ज्योतिका ने मिलकर के। जी हाँ, और इस गाने में सभी एक्टर अपनी अपनी प्रेमिका को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अक्षय कुमार ने गाने के टीजर का वीडियो एक दिन पहले ही शेयर किया था और पहले ट्रेलर में धमाल मचाकर इन्होंने ऑलरेडी दर्शकों का दिल जीत लिया है। गाने के टीजर में दिख रहा है कि मल्टी स्टार वाली इस फिल्म के एक्टर्स एक दूसरे को किस करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं एक शॉट में एक्टर भी अपने में किल करते हुए नजर आते हैं। वेल, अब देखना ये है कि हाउसफुल 4 को जब वो बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होती है तो फैंस की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है। फिल्मी अड्डा से प्रियंका की रिपोर्ट।